ओहे गेमर्स, कैसे आप सभी लोग भाई लोग आ गए। आपका अपना भाई माइकल यार आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में आ रहा है आपके अपनी GTA 5 की। आज हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लेके आ चुके हैं। तो यार आज की वीडियो में आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम भाई आज हम लेने जा रहे हैं अपना एक पेट को जो अभी मजा आएगा ना ना ढंग के कपड़े पहन लेते हैं थोड़े से। मैं सोच रहा हूँ यार इसमें सूट वगैरह पहने कि क्या पहने, समझ नहीं आ रहा कुछ भाई मेरे को। तो गाइस यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ कि गर्मी हो रही है, मस्त अपना ना ये वाली आउटफिट पहनते हैं गर्मियों वाली और चलते हैं एकदम मस्त अपनी पेट शॉप में। ट्रेवर के घर के वहाँ पे यार एक मेरे उसका मतलब दोस्त रहता है, वहाँ पे एक यार ना पेट शॉप है, तो हमको जाना पड़ेगा मतलब गांव वाले एरिया में जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे पहले तो हम नीचे आ जाते हैं घर में, देखते हैं यहाँ पे कोई नहीं है भाई, यहाँ पे पता नहीं क्या सीन हो रखा है। तो चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे पड़े रहते हैं लोग भाई, पता नहीं खाना खा खा के इतने भालू हो गए कि भाई एक ही जगह पड़े रहते हैं। चलो कोई गाइस नहीं, यहाँ पे देख सकते हो यार अपनी खड़ी है करण ओजला की भाई लंडी जीप, और यहाँ पे खड़ी है भाई टेक्नो गेमर्स की अपनी भाई लैम्बोर्गिनी सियान जो कि हमने चुराई थी। तो चलो गाइस इसमें से आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने पेट को लाऊंगा तो एकदम ओपन हवा में लेकर आऊंगा यार, देख सकते हो। तो इसमें लेकर चलेंगे, इसमें मतलब लेकर आएंगे तो हम ये वाली लंडी जीप को ले जाते हैं। और इसके रिम्स तो भाई क्या ही बोले भाई इसका। जल्दी से गाइस हम लोग चल लेते हैं, पहले तो हमको जाना है यहाँ पे, मेरे को ना रास्ता इतना अच्छे से याद नहीं है, यहाँ वाली साइड है कहीं पे, हाँ तो ट्रेवर के एयरपोर्ट के आगे वाली साइड है, तो एयरपोर्ट पे मार्क लगा लेते हैं ना, फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। तो चलो गाइस जल्दी से चल लेते हैं, वहाँ पे पहुँच के आपको मिलता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंच चुके हैं भाई हम लोग यार ट्रेवर के एयरपोर्ट के पास, और वो भाई ट्रेवर आपको दिख भी रहा होगा शायद। तो चलो कोई नहीं भाई, उसको काम करने दो, मैं उससे मिल आया हूँ, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा बहुत बिजी है, तो कोई नहीं गाइस हम ही लेके आएंगे यहीं पे ही आगे भाई कैनल। वो ना थोड़ा ब्लैक में बेच रहा है क्योंकि भाई उसके पास पैंथर वगैरह भी है, वो खुद ही पकड़ के लाता है और यहाँ पे आके बेचता है। तो चलो गाइस कोई नहीं, हम मिलते हैं उस बंदे से, और यहाँ पे ही कहीं पे होगा, और ये है उसकी भाई पेट कैनल। तो चलो गाइज यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी जीप से उतर जाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे गाइज मेरे को सामने की तरफ दिख रहा है ये बंदा, तो चलो यार इससे जरा मैं बात कर लेता हूँ कि क्या हिसाब है, ठीक है। तो चलो मैं बात करके मिलता हूँ। A few inches later. तो गाइज इसने ना मेरे को यार बताया है कि आप भाई जोन सा पेट लेना चाहते हो ले लो, पर इसके कोई पेपर वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन पेट वगैरह जो भी दिक्कत आएगी अगर उसको तो यही ले आना, यही ठीक कर देगा, क्योंकि ये मतलब ना पहले काम करता था ऐसे ही लेके पेट वेट का ही, तो अब उसने वहाँ पे छोड़ दिया, तो अब इसने खुद का खोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है काओ, जो कि मैंने काओ फार्म तो बनाना नहीं है, तो काओ तो नहीं लेनी भाई, ठीक है। ये है भाई यहाँ पे डियर है, डियर खुद पकड़ के लाया भाई, और इसने सबको ना ट्रेन कर रखा है ताकि मतलब कोई भी भागता इधर उधर को नहीं है ज्यादा फालतू में, तो इसने सबको ट्रेन कर रखा है। और ये है भाई अपना अपना डियर, तो डियर भी यार इतना बड़ा एनिमल तो मैं नहीं लेने वाला यार, ये मेरे से भी देख सकते हो यार इतना ज्यादा मतलब बड़ा है, मतलब ना मेरी हाइट का ही है, तो यार ये डियर तो मैं नहीं लेने वाला, और बहुत खतरनाक खतरनाक एनिमल्स भी है इसके पास। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है कैट एंड रैबिट, रैबिट ले सकते हैं, अमेंडा को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं यार रैबिट मतलब ना हमको अपने लिए लेना कुछ खूंखार सा, पर रैबिट तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे हैं भाई थोड़े बहुत कुत्ते मतलब डॉग्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। और ये देख सकते हो यार यहाँ पे पग हैं दो, और दो हस्की हैं, और दो माउंटेन के मतलब ना लोकल ऐसे डॉग्स हैं, और ये जो है ना वाइट वाले, ओ रुक जाओ ये जो है ना वाइट वाले यार बकरी की जैसे, ये मेरे को लग रहे हैं सही थोड़े मतलब, लेकिन ना मेरे को खूंखार सा चाहिए कुछ। तो आगे और चीज देख लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे आ जाते हैं गाइस, यहाँ पे इसके पास है दो भेड़िए, और यहाँ पे भाई कीड़े भी चल रहे हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे इसके पास है दो भेड़ी है, और यहाँ पे दो है इसके पास रॉट व्हीलर, और यहाँ पे यार अपने हैं गोल्डन रेट्रीवर जो कि यार डब्बे में फंसा हुआ है, रुको मैं जरा डब्बा साइड कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ओके गाइस मैंने उसको बोला कि यार वो बेचारा डब्बे में अड़ रहा था, उसने डब्बा हटवा दिया। यहाँ पे है गोल्डन रेट्रीवर जो कि यार मेरे को ना सबसे फेवरेट डॉग है मेरा, गोल्डन रेट्रीवर जितने भी कुत्ते होते हैं, और ये रॉटवीलर ये है गोल्डन रेट्रीवर। तो यार गोल्डन रेट्रीवर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफी ज्यादा शांत होते हैं और एग्रेसिव कम होते हैं, तो यार ये तो नहीं लेना। और यहाँ पे है भाई बवाल चीज भाई,
ये ना पैंथर है, पहले मैं यहाँ पे आने से डर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला यार आप टेंशन मत लो, मैंने फुल ट्रेन वगैरह कर रखे हैं, ऐसे ही बेफालतू किसी पे भी नहीं चढ़ते, लेकिन अगर कोई फालतू हमला करे तो मतलब उस पर अटैक वगैरह कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आराम आराम से भाई यहाँ पे चल लेते हैं। यहाँ पे है एक वाइट पैंथर, और मतलब नहीं वाइट है ना, माउंटेन लॉयन है, और ये है गाइस पैंथर ब्लैक वाले, तो यार इनमें से ही मैं कुछ लूंगा, और बाकी यार देख सकते हो कितने मस्त मस्त वाले यहाँ पे हैं पेट्स वगैरह, ठीक है। तो यार मैं जरा एक बार सोच लेता हूँ इससे कि हमको कौन से लेना चाहिए, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से लेते हैं। तो यार मेरे को ना चाहिए देखो खूंखार में, तो यार खूंखार में मैं ले लेता हूँ यार ये पैंथर मैं ले लेता हूँ सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं ना क्या करता हूँ, दो पैंथर ले लेता हूँ, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक, तो व्हाइट एंड ब्लैक पैंथर ले लेते हैं, और फिर बाद में कभी ये मतलब ले जाएंगे रेड रिवर, तो अभी व्हाइट एंड ब्लैक पैंथर ले लेते हैं, जो कि भाई सब सब देखेंगे कि यार ये क्या ही चीज है, तो जल्दी से यार व्हाइट एंड ब्लैक पैंथर ले लेते हैं, इसको बोल देता हूँ, तो चलो गाइस इसको बोल देते हैं एक बार। तो चलो गाइस मैंने इससे बात कर लिया व्हाइट एंड ब्लैक पैंथर की, तो ये बोल रहा है कि यार आपको ना 50,000 यूएस डॉलर का एक ब्लैक पैंथर मिलेगा, और व्हाइट पैंथर आपको 70,000 यूएस डॉलर का मिल जाएगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, इतने तो हमारे पास हैं, तो जल्दी से गाइस इसको पैसे वगैरह यहाँ पे दे देते हैं, बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद लेकर चल लेते हैं इनको अपने घर पे। तो चलो मैं इनको बैंक ट्रांसफर जल्दी से। A few inches later. तो चलो गाइस यार मैंने यहाँ पे मेज बैंक की साइट खोल के यार इसमें मतलब मस्त इनकी ट्रांजेक्शन वगैरह चलो कर दिया है, तो अब है बारी यार इनको लेकर जाने की, तो इनको बोल देते हैं कि जल्दी से यार हमारे पीछे पीछे आ जाओ। ओके तो यार भैया जल्दी से यार इनको बोल दो कि पीछे पीछे जाए हमारे। ओए चलो चलो इनके पीछे पीछे जाओ, अब ये तुम्हारे मालिक है, दो चले चले जाओ चलो। तो चलो गाइस यहाँ पे यार अपने पास दो मतलब मस्त वाले आ गए हैं, देख सकते हो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब मैंने आपको बोला था ना यार बिल्कुल ट्रेंड कर रखे हैं इन अंकल ने। तो चलो फिर ओके अंकल, ओके बाय। हाँ हाँ यार बेटा ओके बाय, थैंक यू यार शॉपिंग करने के लिए। अरे हाँ हाँ अंकल ठीक है ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे हमने खरीद लिया भाई दो पैंथर, एक वाइट माउंटेन लॉयन है यार, मैं पैंथर क्यों बोल रहा हूँ बेफालतू में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैंथर ने एक वाइट माउंटेन लॉयल खरीद लिया है, तो इनको बिठा लेते हैं भाई, गुर्रा क्यों रहे हो यार, इनको बिठा लेते हैं गाइस अपनी जीप में और ले चलते हैं घर पे। चलो तो गाइस मैंने यार इन दोनों को बिठा लिया है अपने मस्त जीप पे, और आराम से ये दोनों बैठ गए हैं भाई साहब देख सकते हो, और इनको जल्दी से यार अब हम ले चलते हैं अपने घर पे, और पूछते हैं मेंढा वगैरह से कि उनको कैसे लगे, और भाई साहब खतरनाक भाई, जो भी बंदा देखेगा ना एकदम बोलेगा कि भाई क्या ही चीज ले आया यार माइकल भाई। तो चलो गाइस यही चीज चाहिए थी हमको, खूंखार जानवर और हमने पाल लिया, तो लेकर चल लेते हैं भाई इनको अपने घर पे। तो चलो तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं यार फ्रैंकलिन के घर के पास, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन के पास एक बार मिल आते हैं, उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से मैं अपने घर जा सकता हूँ, नीचे से भी जा सकता हूँ, तो चलो यार एक बार फ्रैंकलिन के घर चली लेते हैं। ये जो रास्ता है ना ये जा रहा है भाई फ्रैंकलिन के घर को, और भाई 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 रैबिट ये देख सकते हो ऐसे जो रैबिट है ना ऐसे घूमते रहते हैं, वही उस बंदे ने पकड़ रखे थे और उनको ना ऐसे मतलब बेच रहा था। तो चलो कोई बात नहीं यार, उसको भी अपना घर चलाना है क्या बोल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार भाई कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो आप यार एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और मैं एकदम आराम आराम से चला रहा हूँ इनके चक्कर में, और ओ भाई साहब माइकल और फ्रैंकलिन तो भारी है, और भाई फ्रैंकलिन क्या हाल है। अल यार मेरे हाल तो ठीक है यार, लेकिन तू ये क्या ले आया यार, तेरे साथ में तो लॉयन है यार, इसको भाग इसको भगा भगा यार इसको। अरे भाई ये मेरा मैंने पालतू खरीदे हैं भाई यार, तू डर मत यार। अले यार यार दलने की तो बात है यार, तू यार ये क्या ले आया भाई, पागल है तेरा यार, तेरे को खा दे यार। अरे नहीं भाई यार नहीं खाएंगे यार, चलो कोई बात नहीं गाइस इनको यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो भाई तूने देख लिया ना, अले हाँ यार इनको लेकर था, अरे हाँ चल ठीक है चौप अंदर ही है ना, हाँ यार तोप तो अंदर है, उसके बाद मत लेके आई हो बनना है, उसको मार देंगे मेरे तोप के बत्ते को। अरे नहीं नहीं यार चल कोई बात नहीं गाइस, जल्दी से मैं अपनी जीप में बैठ जाता हूँ, वरना चौप की और इनकी लड़ाई हो जाएगी। इसको दिखा दिए भाई ये तो डर गया पूरा, बट कोई बात नहीं यार हम ले गए हैं इसको, अब ऐसे ही सारे लोग डरा करेंगे। जल्दी से यार हम अब अपने घर पे चल लेते हैं जल्दी से फटाक से। गाइस मैं आ चुका हूँ भाई अपने घर के पास, और यहाँ पे देख सकते हो भाई जो भी बंदा इसको देख रहा है ना, देखो कैसे भाग रहा है, देख सकते हो भाई कितना खतरनाक है यार, मतलब सब इसको देख देख के भाग रहे हैं, मस्त वाले दो हम शेर ले आए हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे घर पे इनको एकदम आराम से यहाँ पे मैं उतार देता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे पार्क कर दिया, चलो भाई दोनों के दोनों नीचे उतरो। चलो गाइस ये दोनों के, अरे भाई साहब उसमें अंदर नहीं बैठना भाई, इधर आ जाओ। चलो गाइस ये दोनों के दोनों भाई गुर्रा रहे हैं, देख सकते हो भाई मेरे पैंथर हैं, ठीक है भाई जो भी मेरे पे अटैक करे उनको मारना है, ठीक है, और मैं तुमको मस्त वाला चिकन वगैरह सब कुछ खिलाऊंगा। तो देख सकते हो यार ये आ गए भाई अपने पैंथर, और इनको ले लेते हैं भाई अब हम अपने घर के अंदर।
आ जाओ भाई सब, चलो चलते हैं घर के अंदर। और भाई साहब अमेंडा ने देख लिया, मेरे को लगता है चिल्ला रही है वो, मेरे को वो देखना बहुत ज्यादा डरेगी अमेंडा और ट्रेसी। जिमी तो मेरे को नहीं, मेरे को लगता है बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो चलो गाइस ये थी यार आज की वीडियो, आपको बढ़िया लगी तो बताना, और आप बताना यार मैंने पेट कैसे लिए, एकदम खूंखार है कि नहीं है, और बताओ मैं आगे कौन से पेट लूं। अरे भाई चुप, भाई जब से लेके आया हूं तब से घुर्रा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ यार मैं आगे कौन से पेट्स लूं और क्या क्या करूं। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो में गाइस मैंने मतलब अपनी फेस कैम नहीं किया क्योंकि यार कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो भाई सॉरी यार उसके लिए, थोड़ा सा मैनेज कर लो इस बार के लिए, ठीक है, आगे से ऐसे नहीं होगा। और अभी मैं नया नया हूँ पीसी पे एडिटिंग में, तो मैं नए नए हूँ तो एडिटिंग करता हूँ पीसी पे, सीख रहा हूँ, मतलब पिछली वीडियो में मैंने सीखी है, तो अगर ढंग से एडिट ना हो तो उसमें भी माफ कर देना, मैं अच्छे से सीख लूंगा थोड़े टाइम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।